वक्त की बड़ी खबर अवदिवका से। अवदिवका में यूक्रेनी ड्रोन टीम का हमला देखने को मिला। रूसी मोर्चे पर ड्रोन से बरसाए गए बम, 30 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए पुतिन और उसकी सेना ने नई ड्रोन नीति बनाई है। इस ड्रोन नीति के जरिए न सिर्फ यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम करने का प्लान है, बल्कि यूक्रेनी धरती पर जलजला लाने की तैयारी भी है। इसके लिए पुतिन और उनकी सेना ने आसमान में एक अदृश्य जाल बिछा दिया है। सवाल यही है कि आखिर ये जाल क्या है, इसके जरिए रूस यूक्रेन के ड्रोन हमलों को कैसे रोकेगा। युद्ध जीतने के लिए पुतिन और उनकी सेना नए नए पैंतरे आजमा रही है, नए नए प्लान पर काम कर रही है। यूक्रेनी फोर्स की युद्ध नीति को बर्बाद करने और उसे चारों खाने चित्त करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। यूक्रेनी फोर्स लगातार रूसी धरती पर ड्रोन विस्फोट कर रही है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के इन हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन रूसी सेना को बहुत नुकसान हो रहा है। रूस के एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम, एनर्जी ठिकाने जलकर भस्म हो रहे हैं। इस बात से न सिर्फ यूक्रेनी सेना बल्कि क्रेमलिन भी बहुत परेशान है। यूक्रेन के इन हमलों को रोकने के लिए रूस ने अब नया प्लान बनाया है। रूसी सेना पहले विश्व युद्ध की तरह ही अपनी धरती की सुरक्षा करेगी। जिस तरह पहले विश्व युद्ध में आसमान में ब्लिंप लगाए गए थे, उसी तरह रूस भी हवा में ब्लिंप्स लगा रहा है। ये ब्लिम्स यूक्रेन के ड्रोन हमलों को कैसे रोकेंगे, इसे ग्राफिक से समझिए। यूक्रेनी फोर्स जैसे ही रूस की तरफ ड्रोन फायर करेगी, रूसी रडार स्टेशन को उनकी लोकेशन और दिशा का पता चल जाएगा। इसके बाद आसमान में ब्लिम्स भेज दिए जाएंगे। ये ब्लिम्स ड्रोन के रास्ते में एक बड़ा और अभेद्य जाल गिरा देंगे। ये जाल यूक्रेनी ड्रोन को जमीन पर लेकर आएंगे और इसी के साथ यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हो जाएगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन के ड्रोन का शिकार करने के लिए रूस ने डिस्पोजेबल ड्रोन बना लिया है। रूस के मुताबिक ये यूक्रेनी ड्रोन के लिए सबसे बड़ा काल बनेगा। इतना ही नहीं, रूस ने न सिर्फ नया ग्राउंड ड्रोन बना लिया है बल्कि युद्ध के मैदान में इसे भेज भी दिया है। ये जमीनी ड्रोन जबरदस्त तबाही मचा रहा है। रूस एक तरफ यूक्रेनी ड्रोन से अपने शहरों की रक्षा करेगा तो दूसरी तरफ चीन के ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनियां रूस के लिए स्पेशल ड्रोन बना रही हैं। रूसी सेना भविष्य में इन्हीं ड्रोन से हमला करेगी। जाहिर है अगर रूस की ये ड्रोन नीति सफल हुई तो क्रेमलिन के लिए की विजय बहुत आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। We'll be right back.